नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभ्यास जो एक और दो है उसके बारे में परिचय लेना शुरू किए थे कल, और उसी संदर्भ में कुछ असाइनमेंट्स भी हमने लिए थे। भैया का कल प्रश्न रह गया था, प्रश्न लेते हैं फिर आगे बात हम लोग शुरू करते हैं। हाँ भैया जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते भैया जी। ये जैसे इमेजेस की बात कल हो रही थी, तो जैसे मेरी नानी जी हैं 90 साल की आसपास की होंगी, तो उनको अपने बच्चों का तो नाम याद नहीं है, लेकिन बचपन में काफी चौपाई उपाई पढ़ती थी, तो चौपाई वो बोलती हैं। तो ये जो चौपाई जो उनको याद है, ये मेधस में स्टोर है या ये मैं उसको रिकॉल कर रहा है मेधस के द्वारा? देखिए, रिकॉल तो हर बार मैं ही करता है। अच्छा, जो महत्वपूर्ण रहता है उसको रिकॉल कर पाता है, जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता है उसको रिकॉल नहीं करता है। मेधस इतना ही बस करता है कि जब सामने से कोई बहुत ही रासायनिक घटना सामने से हो रही है तो उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है, उसको मैं तक ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना जी। तो मैंने उसको महत्वपूर्ण माना है तो उसको याद रख लेता है। और होता यह है कि एक समय के बाद मेधस का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे कम पड़ने लगता है, तो ये जो सूचना का दान प्रदान होता है वो उससे प्रभावित होता है। म्यूट कर लीजिए। जो सूचना का दान प्रदान होता है वो उससे प्रभावित होता है। तो उसमें एसेंशियली जितना फिजियोकेमिकल पार्ट है जो ट्रिगर करता है ना, वो मेधस में होता है और उसमें प्रभाव पड़ता है। रिकॉल तो हर बार मैं ही करेगा। तो जैसे कोई चौपाई है, अब वो चौपाई को उन्होंने गहरे में स्वीकारा हुआ है, उसके अर्थ को स्वीकारा हुआ है, तो चौपाई को याद रख पाती है। उसके साथ कोई आस्था जुड़ी हुई है, कोई सुख का भाव जुड़ा हुआ है, कोई ज्ञान की वस्तु जुड़ी हुई है जिसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। और यदि किसी बच्चे के नाम की बात करें तो बच्चे के नाम के साथ उस तरह का कनेक्शन नहीं है, भाव के रूप में विचार में भी उसको नहीं याद कर पाते हैं। जब आप बोल रहे हो कि भाव विचार के उसमें हमें जो चीज याद रहती है, जिसमें सुख मिलता है, वो चीज याद रहती है, तो वो मैं में साथ आगे जाती है या मेधस में ही इंफॉर्मेशन रूप में खत्म हो जाती है? जैसे चौपाई है तो क्या इसका जो भाव होगा ये साथ में जाएगा जब वो तो भाव के रूप में वो मैं में रहता है, भाव के रूप में वो मैं में रहता है ना, परंतु जब इसको रिकॉल करने का कोई चीज प्रयास करते हैं जो शब्द वाला भाग है वो मेधस के सहयोग से ही ट्रिगर हो पाता है। तो उसमें भी एक समय बाद उसका चौपाई भी याद न रहे, परंतु उसके भाव को हमने गहरे में स्वीकारा हुआ है तो हम उस चौपाई को याद कर पाते हैं। बच्चे के नाम को हमने उस भाव के साथ नहीं स्वीकारा है। तो होता यह है कि जो नीचे क्रियाएं हैं, चयन आस्वादन, इसमें जो क्रियाएं हो रही है वो मेधस के सहयोग से हो रही है। तो मेधस अगर अस्वस्थ होता है तो फिर ये क्रियाएं इनके वस्तुगत प्रभाव पड़ता है। मेधा स्वस्थ होती है तो एक प्रकार से क्रियाशील होती है, मेधा अस्वस्थ होता है तो दूसरे प्रकार से क्रियाशील होती है। जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें जिसका मेधा विकसित नहीं हुआ है तो बहुत सारी बातों को नहीं पकड़ पाएगा। जब मेधा विकसित हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, तो फिर सारी बातों को पकड़ पाता है। उसमें भी आप पाएंगे अभी भी हम कुछ चीजों को याद रख पाते हैं, कुछ चीजों को याद नहीं रख पाते। एक समय के बाद मेधा हमारा धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य कम होने लगता है, थोड़ी शिथिलता आने लगती है। जैसे 40 की उम्र के बाद आप देखेंगे तो रिकॉल करने में थोड़ी कठिनाई होने लगती है, 60 के बाद और थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो जो हम रिकॉल करते हैं तो कोई चीज हमारे आस्वादन में गई, अब हम कोई नाम है, कोई इस तरह की चीज है तो आस्वादन में वो बैठा हुआ है, अब उसको वापस लाने में मेधा का सहयोग चाहिए। तो सामने कोई वस्तु अगर दिखाई दे रही हो तो उससे वो ट्रिगर हो पाता है। या फिर हम अपने आप में याद करते हैं तो क्या करते हैं, हम आंख मूंद के भी जब कोई चीज को रिकॉल करने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे हम मेधस पे जोर लगाते हैं। जी। तो जो चयन आस्वादन दूसरी क्रियाएं हैं वो मेधस के सहयोग से एक प्रकार से होती है। अगर मेधस के साथ संपर्क न रहे है ना, तो इन क्रियाओं पे असर पड़ता है, इन क्रियाओं का क्रियाशीलता कम हो जाता है। जी भैया जी। तो ये जो भैया जी जो योग करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं,
तो ये क्या मेधस को बनाए रखने के लिए भी इसका सहयोग है कुछ क्या इसमें? हाँ बिल्कुल है, तो मेधस के स्वास्थ्य के लिए आप योग प्राणायाम एक्सरसाइज सब कर ही सकते हैं। बिल्कुल, मेधस का स्वास्थ्य शरीर के बाकी अंगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, और मेधस का स्वास्थ्य आपके भाव विचार के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप सुखी होते हैं, आराम में होते हैं, तो मेधस स्वस्थ रहता है। अगर आप तनाव में है, दुख में है, परेशानी में है, उलझन में है, तो इन सबका प्रभाव मेधस पर भी पड़ता है। तो मेधस का शरीर और मैं दोनों का प्रभाव उसमें एक तरीके से? हाँ हाँ ठीक है भैया, बढ़िया भैया जी, धन्यवाद। बढ़िया भैया, हाँ जी धन्यवाद जी। तो अभी नए प्रश्नों को थोड़ा बाद में लेते हैं, कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि देखने का अर्थ क्या है। तो देखना मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना। देखने की वस्तु के रूप में देखें तो मैं को मैं द्वारा देखना, शरीर को मैं के द्वारा देखना, और सहस्तित्व यानी शून्य को भी मैं द्वारा देखना। तो सहस्तित्व को देखना, शून्य को देखना, वो भी मैं के द्वारा देखना। तो इसमें जो दृष्टा है, देखने वाला है, वो मैं है, आंखें नहीं है। इस मैं को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। शरीर को भी देखने के लिए आप पाएंगे आंखों की जरूरत नहीं है। और शरीर से जो मुझे संवेदना मिल रही है उससे मैं शरीर की उपस्थिति को देख पाता हूँ। आंखें हैं तो एक प्रकार से देखूंगा, है ना, पर जिनकी आंखें नहीं वो भी शरीर को देख पाते हैं। और हम भी अगर आंख मूंद लें तो भी हमको शरीर को होने का पता लगता है। और शून्य को देखने के लिए, सहस्तित्व को देखने के लिए तो मैं आंखों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये हमें दिखाई दे जाए कि देखने वाला अल्टीमेटली मैं हूँ, शरीर नहीं। और आंखें जो है वो शरीर का एक अंग है, एक यंत्र के रूप में काम कर सकता है, परंतु दृष्टा नहीं है, देखने वाला नहीं है जी। इतनी बात को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। अब देखने को भी अगर हम विस्तार में जाए कि अल्टीमेटली हमारा कार्यक्रम क्या बनता है देखने के अर्थ में, तो कुछ शब्द यहाँ पे रखे हैं, परावर्तन, प्रत्यावर्तन। तो परावर्तन मतलब बाहर या परस्परता में पहचानना, निर्वाह करना, जो अभी अगर आप देखें तो मानने के अर्थ में हो रहा है या हो सकता है ना, अगर जानना हो पाया तो बहुत ही अच्छा। तो परावर्तन मतलब बाहर की चीजों के साथ जो हमारा निर्वाह करना है, उसमें हम संबंधों को एक रूप में पहचानते हैं, उस पहचानने के पीछे हमारा कुछ मानना जुड़ा होता है, तो हमारी दृष्टि बाहर की होती है प्रत्यावर्तन परावर्तन में। प्रत्यावर्तन मतलब स्वयं में यानी चैतन्य में जो जानना है उसको ध्यान देना, उसको सुनिश्चित करना, इसको प्रत्यावर्तन कह रहे हैं। और प्रत्यावर्तन पूर्वक परावर्तन अगर इसकी बात करें तो स्वयं में जानने मानने के आधार पर पहचाना, निर्वाह करना होना, और उसी को फिर परस्परता में ले जाना। तो कहने का कुल मतलब इतना हुआ कि अभी हम एक प्रकार से जीने के लिए अभ्यस्त होते हैं, हमारे अंदर कुछ मानना हो रहा है, उस मानने के आधार पर हम संबंध को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, और एक प्रकार से हमारे जीने का एक ढर्रा बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है। अब हम कुछ मुद्दों को केंद्र में ले आते हैं, है ना, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, संबंध क्या है, ठीक, ये प्रकृति क्या है, समाज क्या है, ये होते क्या है, इसमें मेरी भागीदारी क्या है। तो ये जो बाहर की ओर चीजों को देखकर जीने का अभ्यास था, अब उसके बजाय अब स्वयं में ध्यान देना शुरू किया, इन प्रश्नों का उत्तर देखना शुरू किया। अब जब इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलने लगता है तो हम फिर बाहर से ख्याल के जीते हैं, बट अब हमारी दृष्टि अलग होती है। तो जहां हम मानकर जीने के लिए अभ्यास थे परावर्तन की स्थिति में, अब हम जानकर मान पाते हैं और उसके आधार पर फिर हम जीने जाते हैं। जैसे पहले की अगर बात करें तो सुविधाएं हैं, और हमने कहीं माना हुआ है सुविधा ही सुख है, भले इसको हम एक्सप्लिसिटली कहते भी नहीं थे अपने आप से, ना कोई हमसे पूछता था, ना हम किसी को बताते थे कि सुविधा ही सुख है, बट सुविधा को सुख माना हुआ था। तो पूरे समय ध्यान बाहर लगा हुआ था सुविधाओं पे, उदाहरण के लिए, और उसी में
सुख मानकर हम उसको बढ़ाने के लिए, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत थे। अब थोड़ा ध्यान गया स्वयं पे कि इतना सारा सुविधा संग्रह करके भी जो सुखी नहीं हो पा रहे, कुछ और मुद्दा है, ये मुद्दा क्या है उसको समझते हैं। तो हमने समझने पे काम शुरू किया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो देखा नहीं, सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण तो संबंध है, क्योंकि ज्यादा समस्याएं जो परिवार में है उस संबंध के अभाव में है, ना कुछ सुविधाओं के अभाव में। और संबंध का मतलब भी अगर ये मान लूंगा है कि दूसरों की इच्छाएं पूरी करते रहना, तो उसमें कोई सुख की न तो निश्चितता है न निरंतरता है। तो एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करते रहना, ये तो संबंध के निर्वाह का तरीका नहीं हुआ। इसके मूल में तो समझना होगा चीजों को, समृद्धि को समझना होगा, सुख को समझना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। तो हम बाहर से अपने ध्यान को समेट कर स्वयं पे ले आए, भीतर ले आए, और फिर भीतर समझने के आधार पर फिर हम बाहर गए। अब हम जब निर्वाह करते हैं तो समझ और संबंध के भाव के साथ निर्वाह करते हैं, उसके साथ ही सुविधाओं की भी उपयोगिता को समझ कर उसको पूरा करते हैं। तो प्रत्यावर्तन पूर्वक परावर्तन करते हैं। तो जो जीवन शक्तियां हैं, यानी हमारे में जो समझने की, विचार करने की शक्तियां हैं, उसका हम बहि नियोजन कर रहे हैं, यानी बाहर हम ध्यान देने पर लगा रहे हैं, या अंतर नियोजन कर रहे हैं, स्वयं पे ध्यान देने में लगा रहे हैं। तो बहि नियोजन मतलब कि बाहर की ओर ध्यान देना, बाहर की ओर शक्तियों को लगाना, उससे समेट कर अंदर की ओर लगाना, अंतर नियोजन। और उसके आधार पर फिर अंतर नियोजन पूर्वक बहिर्नियोजन करना। तो स्वयं में ये ध्यान देने के आधार पर, समझने के आधार पर, अब बाहर फिर ख्याल कर जीना। तो जीवन शक्तियों को अंदर की ओर लगाने के साथ आवश्यकता के अनुसार बाहर की ओर लगाना। तो जीवन शक्तियों के अंतर नियोजन यानी प्रत्यावर्तन के अर्थ में अभ्यास एक है, और इसे क्रम से हम 7 स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। इसे एक और बात ध्यान रखना चाहेंगे कि यह एक तरीका है, ये एकमात्र तरीका नहीं है। और इस 7 स्टेप्स हम कर रहे हैं, इसमें हम अगर डिटेलिंग करेंगे तो इसको और स्टेप्स बढ़ भी सकते हैं, हम इसको और फैला भी सकते हैं, या हमको लगता है कुछ स्टेप्स हम सहजता से पूरा कर ले रहे हैं तो हम कम भी कर सकते हैं। तो एक प्रस्ताव के रूप में है, मूल बात है कि इससे हमारे अंदर अंतर नियोजन हो जाए, हमारी शक्तियों का हमें ज्ञान हो जाए, समझ हो जाए, ठीक, और उसके अनुसार हमारा जीना हो जाए। इसके लिए एक तरीका है, एक प्रस्ताव है। तो मूल मुद्दा इतना ही है जो पहले से ही बात हो रही है कि जहां हमारा ध्यान सुविधा पे फंसा हुआ था उसे समेट कर भीतर ले आए, जहां हमारा ध्यान शरीर पे फंसा हुआ था उसको समेट कर भीतर ले आए, जहां हमारा ध्यान अनुकूल संवेदना या अनुकूल भाव पाने पर लगा हुआ था दूसरों से, बाहर से, उसको समेट कर भीतर ले आए, और हम स्वयं में ज्ञान समाधान सुनिश्चित कर पाए, तो हम अपने आप में तृप्ति पाते हैं, आराम पाते हैं, और इसके साथ फिर हम परस्परता में ज्यादा ठीक ढंग से भागीदार हो पाते हैं। जी, तो इतनी बात ठीक है। इस पर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। प्रश्न है, एक दूसरे की इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है क्या? एक दूसरे की इच्छा को हम तभी पूरा करेंगे ना जब हमें दिखता है कि उसको पूरा करने से अगले व्यक्ति के अंदर सुख की निरंतरता हो सकती है। अगर लगता है कि उसको पूरा करने से सुख की निरंतरता होने का कोई संबंध नहीं है, परंतु अगर नहीं पूरा करें इससे संबंध प्रभावित होगा, या अगला व्यक्ति दुखी होगा, या ये समझने की ओर भी गति नहीं कर पाएगा, तो सामयिक रूप से पूरा कर देंगे। बट हमको ये दिखता है कि ये इच्छाओं को पूरा करते रहना ये संबंध में निरंतर सुख को सुनिश्चित करने का कार्यक्रम नहीं है ना। ऐसा कई बार हो सकता है कि कंडीशनिंग हो जाए, और वो बार बार हम शिक्षा को पूरी करते हैं तो फिर बच्चे को या अगले व्यक्ति को उसकी एक आशा बनी रहती है, और फिर उस आशा से बंधा रहता है वो कुछ बाहर से पाकर सुखी होने में, जिससे उसके समझने में बाधा हो सकती है, प्रत्यावर्तन में कठिनाई हो सकती है, शक्तियों के अंतर नियोजन में कठिनाई हो सकती है। तो हम सामयिक रूप से पूरा कर देंगे, बट हमको दिखता है कि ये उभय सुख का आधार नहीं हो सकता। उभय सुख का आधार तो प्रत्यावर्तन होगा, शक्तियों का अंतर नियोजन होगा, यानी ज्ञान समाधान होगा, न कि ये सिर्फ बाहर की चीजों को देखकर उनको पूरा करना। हाँ भैया, अभी आपने जो ये बताया है कि मैं के द्वारा मैं को देखना, मैं के द्वारा शरीर को और
शून्य के साथ सह अस्तित्व का जो है उसको देखना, या शून्य या सह अस्तित्व को देखना, एक ही बात है भैया। तो इसमें जो हम देखने का जो है, उसमें आपने बताया कि जो देखने की क्रिया है उसमें हमें, या जो दृष्टा भाव से हम देखते हैं हमारे कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन को, तो भैया उसमें इस बात का भी फर्क पड़ता है कि हम क्या आहार ले रहे हैं, क्या विहार कर रहे हैं। क्योंकि कल मैं ह्यूमन वैल्यूज की क्लास ले रहा था, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं, नई जनरेशन के हैं, तो उनके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो थोड़ी सी बात ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ गई। तो एक स्टूडेंट का था कि ये भी डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस कहता है कि एक निश्चित क्वांटिटी के अंदर लिया जाए तो ये मेडिसिन की तरह काम करता है। तो मुझे जो समझ थी, मैंने वहाँ पे जो आंसर किया वो रख देता हूँ, फिर आपसे थोड़ा सा और मार्गदर्शन मिलेगा तो ठीक से मैं एड्रेस कर पाऊंगा। तो जैसे भी कोई भी खाने में, मतलब आहार में, चाहे वो हम पांचों इंद्रियों से ले रहे हैं और हमारा विहार क्या है, उन सब का इफेक्ट शरीर पे भी पड़ता है और उससे ज्यादा कहीं 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 सेल्फ भी शरीर पे पड़े हुए प्रभाव से प्रभावित होता है, सूचना के माध्यम से, संवेदना के माध्यम से। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है, कहीं इसमें बाधा पड़ेगी कि हम क्या आहार और क्या विहार कर रहे हैं? और स्पेशली थोड़ा आप अगर इस क्वेश्चन को भी एड्रेस करें, क्योंकि मैंने, उन्होंने जब बोला तो मैंने कहा हो सकता है मेडिकली शरीर पर, शरीर के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर वो मेडिकल क्वांटिटी में, मेडिसिन की क्वांटिटी में हो तो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं वो सेल्फ को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा मेरा एक्सप्लोरेशन जो पहले भी है, तो उसमें थोड़ी सी बात पीनियल ग्लैंड के साथ की गई है कि पीनियल ग्लैंड इफेक्टेड होती है अगर आप अल्कोहल लेते हैं, और जो आपका देखने की जो प्रक्रिया है वो इफेक्टेड होती है। तो पीनियल ग्लैंड में भी ब्रेन का पार्ट है, शरीर का पार्ट है, लेकिन कहीं कहीं वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने में या अवेयरनेस की जो बात है उसको, उसकी इंटेंसिटी जो कम होती है उसको इफेक्ट करती है, ऐसी जो मेरी समझ है तो मैंने रखी थी। तो थोड़ा सा भैया आहार विहार और इस पर्टिकुलर अल्कोहल के इफेक्ट को लेके अगर आप मार्गदर्शन करेंगे तो थोड़ा सा मुझे और समझ बढ़ेगी। जी देखिए, तो आहार विहार का तो प्रभाव होता ही है, तो आहार विहार से ही होता है। अगर हम इसको ठीक रखेंगे तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम जब स्वयं पे ध्यान देने का काम करेंगे ज्यादा ठीक से कर पाएंगे। अगर शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो हम या तो बैठ नहीं पाएंगे, या हम, अगर हमारे मेधस का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम प्रस्ताव को भी अगर रिकॉल करने का प्रयास करेंगे तो उसमें बाधा आएगी। जो अभी बात हो रही थी कि आस्वादन के स्तर पर मेधस का सहयोग से ही हम बहुत सारी चीजों को कर पाते हैं, तो उसमें कठिनाई आएगी। तो आहार विहार को तो ठीक रखना ठीक बात है ही, शरीर के स्वास्थ्य को तो सुनिश्चित करना ठीक है। तो शरीर के स्वास्थ्य से हमारे स्वयं में जांच परख को और जी कर देखने को सहयोग तो मिलता ही है, निश्चित बात है। अब ये जो बात हो रही है कि कुछ चीजें हैं जो शरीर में उन्माद उत्पन्न करती हैं, आवेश उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना, उनका क्या सदुपयोग है या उनका भी क्या सदुपयोग हो सकता है? तो बेसिकली देखें तो जैसे अगर अल्कोहल है, तो अल्कोहल को हिंदी में अगर देखें तो आसव भी कहते हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे कि हिंदी में शराब के लिए आसव, आसव शब्द का प्रयोग किया गया है। आसव एक मेडिकल प्रिपरेशन भी होता है जिसको आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं। जैसे आप बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं लेते होंगे ना, लोहासव या बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं जो आसव जिनका नाम होता है। आसव और आरिष्ट दो मेजर क्लासेज होते हैं जो लिक्विड में हम लोग दवाएं लेते हैं आयुर्वेद में, तो वहां भी आसव है, वो भी अल्कोहल है। तो अल्कोहल को अगर ब्रॉड क्लास में देखेंगे तो फर्मेंटेशन से प्राप्त एक तरह का द्रव्य है, एक तरह का पदार्थ है जिसको हम प्रयोग करते हैं शरीर के स्वास्थ्य करते हैं। तो अगर इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन के साथ देखें तो अल्कोहल यानी आसव को लेकर जो आयुर्वेद में प्रिपरेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, शरीर स्वस्थ होता है उतना ठीक है। बट ये जो शराब और वाइन्स बनाते हैं ना, इसमें तो फिर उसका वो प्रभाव नहीं होता जो आयुर्वेद में आसव का होता है। तो अब बच्चे कुछ पढ़ लेते हैं तो आसव पढ़ा, उन्होंने अल्कोहल पढ़ा,
अल्कोहल का अगर ये क्लास देखा जाए जो आयुर्वेद में दबाव के रूप में शरीर के स्वास्थ्य करते हैं, बट वो पार्ट देखें जो कि बच्चे इंटॉक्सिकेशन के लिए प्रयोग करते हैं तो शरीर के स्वास्थ्य करते नहीं है। तो देखना होगा कि अल्कोहल क्या बना है और किस रूप में बना हुआ है, शरीर के हेल्थ के अर्थ में है या शरीर के इंटॉक्सिकेशन के लिए। जी जी भैया, लेकिन भैया परंपरा में भी कई जगह पर भोजन को लेकर जब बात हुई तो तामसिक फूड की बात हुई है और वो अवेयरनेस पर इफेक्ट लाता है ऐसा। हाँ, तो फिर सेल्फ, हाँ तो वो वही तो बात है कि आपका आहार विहार आपके जांच परख में सहयोगी है। अगर तामसिक भोजन जिसको कह रहे हैं वो आप लेंगे तो शरीर शिथिल होगा, आपकी क्रियाशीलता कम होगी, क्रियाशीलता कम होगी और ध्यान कम दे पाएंगे, सजगता कम होगी आपकी। नहीं भैया, सेल्फ ध्यान जो है वो सेल्फ की प्रक्रिया है और जो ये इफेक्ट है वो शरीर पर है, तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे कभी। हाँ, तो ये जो पहले प्रभात जी कर रहे थे प्रश्न, उसमें तो मैंने उसका रिस्पॉन्ड किया ही ना। अच्छा, वही इसमें आएगा भैया कि ब्रेन 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 के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है तो ब्रेन या शरीर पर फर्क पड़ेगा तो उसमें कुछ न कुछ कमी आएगी, तो इसलिए हमारी हम उतना सूक्ष्मता से देख नहीं पाए। हाँ, जैसे अगर शरीर बीमार है जी, अब आप इन्हीं चीजों को अगर सोचे कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूं, समझूं, दूसरों तक कम्युनिकेट करूं, तो उतनी गतिशीलता के साथ नहीं कर पाएंगे, परंतु यदि शरीर स्वस्थ है तो आप कर पाते हैं। क्योंकि आपका जो ध्यान है वो फिर समझने की वस्तु पे कम जाएगा, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने पर टिका रहेगा। जी जी, जैसे अभी एक ले कि वो शरीर के किसी अंग में दर्द हो, अभी आप जितने बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं इस वस्तु को, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा हो, भयंकर दर्द हो रहा, माइग्रेन का दर्द हो रहा है, तो क्या आप इस तरह से प्रश्न को रख पाएंगे और क्या इसके उत्तर को ध्यान दे पाएंगे? जी जी जी, तो नहीं दे पाएंगे ना। हाँ जी, हाँ मतलब तो शरीर शरीर एक यंत्र है, तो अगर वो पूरी तरह से मेंटेन है तो वो अच्छी तरह से वर्किंग कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो मतलब इसी तरह से अगर हम समझते हैं तो इसकी अवेयरनेस पे उस वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। अवेयरनेस सेल्फ में है बट बॉडी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं काम कर रहा है। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगा अगर इस तरह की हम चीजें आहार विहार में है तो। हाँ बिल्कुल जी भैया, अब इसी को ध्यान दे। जैसे अभी हम लोग सब सोकर उठे तो शरीर की एक अवस्था थी कि शरीर सो रहा था, ठीक। अब उसमें इतनी बारीकी से जांच परख तो नहीं कर सकते, वो शरीर की एक स्थिति थी। अब शरीर अभी स्वस्थ भी है और ऊर्जावान भी है, अभी हम जिस बारीकी से बात कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, बट शाम को अब दिन भर का काम करके थके हारे लौटेंगे, उस समय अगर हम इन मुद्दों पर बात करें तो ध्यान इतनी बारीकी से नहीं जाएगा। तो इसमें तो शरीर का हम प्रयोग कर रहे हैं ना साधन के रूप में, वही बात शरीर के अस्वस्थ होने पे भी हो सकती है। शरीर अस्वस्थ है तो हमारा ध्यान तो सारा शरीर पर लगा रहेगा, शरीर को किसी तरह स्वस्थ किया जाए तो इन मुद्दों पर कैसे ध्यान देंगे? जी जी, ये तो सहज की बात है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो हम जांच पर ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे, शरीर अस्वस्थ है तो नहीं कर पाएंगे उतने बेहतर ढंग से। जी जी भैया जी, बिल्कुल ठीक बात है। सर, ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास में ऐसा लग रहा है कि जो दिमाग के जो सेल है, जो ब्लू सेल है, वो ज्यादा एक्टिवेट और फास्ट एक्टिवेट करने लगा। सर, मेरा जहां तक मैंने पहचान कि दिमाग बहुत चतुराई से वर्क करने लगा, कि हर चीज को जब जांच और परख रहा है तो उसके मानने में भी थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है, एक आधा लोग तो मेरे को ऐसे कमेंट देने लगे, तू बहुत चतुर हो गए। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि हमारे जो माइंड के जो सेल है वो ज्यादा एक्टिवेट और फास्ट होने लग रहे हैं। थोड़ा सा आपको बारीकी से सुनना होगा पूरी बात को, कि माइंड में सेल्स कहाँ होते हैं ये तो कभी कहा नहीं गया, ना कहा जा रहा कि दिमाग समझने वाली इकाई है। दिमाग तो ब्रेन हुआ ना। हाँ हाँ, देखिए दिमाग, माइंड, सेल्फ है ना, इन सब चीजों को ब्रेन ठीक ठीक समझना होगा। तो दिमाग ब्रेन को कह रहे हैं जो शरीर का हिस्सा है, वहां पर सेल्स है और उसको लेकर अभी बात भी हुई। तो ये जो जब हम दिमाग के लिए अभ्यास करते हैं
वो कुछ एक्टिवेट ज्यादा भी होते हैं, जैसे ब्लू और ऑरेंज सेल होते हैं, तो वो ज्यादा कुछ फास्ट वर्क करने लगे थे। अब जब ज्यादा जोर के सोचा जाए, अभ्यास भी किया जाए इन बातों पे, मैं को लेके और भाव और सह संबंधों को लेके, तो कई बार ऐसा लगता है दिमाग भी थोड़ा सा थक रहा है, तो वो थोड़ी सी वो कह रहा है कि हाँ अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले। फिर हम जब कार विहार में शुरू हो जाते हैं वर्क करने में, तो वहां एक्सरसाइज में देखते हैं कि हम अपने आप को, जैसे आपने कहा था थर्ड एक्सरसाइज करनी है, कि हम कितना अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, भाई हम जो पहले जो हमारा भाव मानना पहचानना था उससे हम थोड़ा सा डिफरेंट होके हट के अपना व्यवहार स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे लग रहा है कि दिमाग में ना थोड़ा सा ऐसे उसको थोड़ी देर बाद रेस्ट की जरूरत पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि वो ज्यादा फास्ट काम करने लग रहा है जी। उसमें ऐसा हो सकता है कि अभी हमारा अभ्यास नहीं है इन मुद्दों पे ध्यान देने के लिए, और हमारे सुख पाने की आशा बाहर से बनी रहती है। तो जब इन मुद्दों पे ध्यान देते हैं तो जो बाहर से सुख पाने की आशा बनी हुई थी वो तो पूरी नहीं हो पा रही, तो शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो आप पाएंगे कि शरीर उसका प्रभाव पड़ता है, उससे मेधस थक भी सकता है, कई बार मेधस को आराम भी मिलता है। तो आप पाएंगे कि जैसे ही हम इन मुद्दों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम ऊँघने लगे। आप अकेले कोई बैठ के इसको देखिए, जब हम व्यवस्था पे, संबंध पे ध्यान देते हैं, समझने पे ध्यान देते हैं अपने आप में बैठे बैठे, तो हमें ऊँघ भी आती है, कई बार नींद आने लगता है। ठीक, नींद तो बहुत तेज आने लगती है जी, नींद आने लगती है बहुत तेज, ऐसे लगता है जैसे वो एक क्षण के लिए ना ऐसे बेहोशी सी आती है ना, वो फिर वो ऐसे घड़ी में देखो ना तो सिर्फ 2 ही सेकंड का होता है, तो वो फिर हम आंख खोल के देखते हैं, अरे नहीं ये तो ऐसे 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 टिकर भी ऐसे लगता है कि जो जैसे स्विच ऑफ और ऑन माइंड का ये भी फील हो रहा है जी जी। तो आप पाएंगे कि उस क्रम में हमें कई बार आराम भी मिलता है, क्योंकि अभी हम बहुत सारा जो अंतर विरोध को लेकर, तनाव को लेकर विचार करते रहते हैं, है ना, परेशानियों को लेकर, उसको सुन लीजिए यही सर। हाँ जी, तो परेशानियों को लेकर हम विचार कर रहे होते हैं तो उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है, मेधा से प्रभाव पड़ता है, या हमारे स्वयं में आवेश होता है उसका मेधा से प्रभाव पड़ता है। तो जब हम किसी सार्थक वस्तु पे ध्यान देते हैं तो उसका हमको आराम मिलता है, तो मेधा को भी आराम मिलता है, उसमें फिर उसको नींद भी आ सकती है। और पाए कि इन मुद्दों पर ध्यान देते हुए हम सुने जाते हैं तो हमारी नींद ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, ज्यादा गाढ़ी होती है और कम टाइम की होती है जी, कम टाइम, समय भी कम होता है, और फिर उसके बाद फिर वो ऐसे लग रहा है अब हाँ अब रिलैक्स है जी। और ये भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान देने के लिए अब बहुत ज्यादा बल लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसे मेधा थक भी सकते हैं। हाँ सर, यही कुछ हो रहा है। रुकिए रुकिए, अभी हड़बड़ी निकली, तो दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं, आराम भी मिल सकता है, तो हो सकता है पहले तनाव परेशानी था, उससे बाहर निकल पा रहे हैं तो आराम मिलता है, तो मेधा को भी आराम मिलता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किए तो बहुत सारे गहरे गहरे संस्कार उभर कर सामने आने लगे, तनाव और बढ़ गया, परेशानी और बढ़ गई, उसे मेधस और थक भी सकता है, तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो स्वयं में अगर समाधान मिल पा रहा है तो मेधस को आराम मिलता है, और तनाव बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई, तो मेधस और थक भी सकता है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं जी, दोनों ही स्थितियां सर इस टाइम जी जी। मेधस मतलब ब्रेन, ठीक है, राइट। मैं एक बात को लेकर हैरान हूं कि मैं वो सही तो ठीक है, आखिर देखता या सुनता है कौन? देखता भी आंख देखती पर आंख में देखता कौन है, कान सुनता पर कान में सुनता कौन है? थोड़ा सा ऐसे पता नहीं ये सामयिक है बात के नहीं, परंतु मैं उलझा हुआ था इसलिए मैं आपसे बात रखी जी। इसी को तो देखने समझने का काम कर रहे हैं कि मैं उसको सेल्फ जो है वो उसको देख रहा है, समझ रहा है। आंखें तो यंत्र के रूप में काम कर रही है, शरीर का एक हिस्सा है, तो इस मैं को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो दृष्टा है, देखने वाला है, समझने वाला है जी। भी आप थोड़ा सा और उसको एक्सप्लोर करिएगा प्लीज। हाँ, तो आप देखने समझने वाले हैं, जैसे
अपनी ओर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आप हैं और आपका शरीर है, ये दोनों अलग चीजें हैं। आप शरीर तो है नहीं, हो सकता हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे हो, बट ये भी हो सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं। इसको अभी ओपन रख लें कि आप शरीर मात्र हैं या शरीर से भिन्न कोई इकाई है, तो इसको ओपन रखें, इसको हम जांचें परखें। अभ्यास एक में जो हम बात कर रहे हैं कि हम मैं को मैं के द्वारा देखने का अभ्यास कर रहे हैं, मैं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग इसको देख पाते हैं। हाँ, इसको देखना है, जो देखने वाला है उसको देखना है। मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, और मुझे स्वयं को देखना है, तो मुझे उस क्षण में मैं ही दृष्टा भी हूँ, मैं ही दृश्य भी हूँ, मुझे अपने आप को देखना है, वो काम करने वाले नहीं। मैं उठा हुआ कि चलिए मैं आपको लेता हूँ, आंख देख रही है, आंख में कौन देख रहा है, किस जगह देखा जा रहा है, आखिरकार देखना हो कहां रहा है। आंख तो देख रही है, आंख तो एक डिवाइस है जो उसको सिर्फ एब्जॉर्ब करके अंदर बढ़ा रही, ट्रांसमिट कर रही हो, परंतु वो रेटिना पर पहुंचा, पर रेटिना में भी कौन देख रहा है। हाँ, तो इस पे आपको ये प्रस्ताव जो उन्होंने रखा, इस पे कई बार बात हुई जी, कि मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, ये बात ध्यान में रही है कि मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, ये बात आपको ध्यान में है। जी जी जी, तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इसको अपन ओपन फील्ड में रखते हैं अभी, और अभी हम भानु भैया के साथ बैठेंगे अभी बाली में, भोपाल में, तो अभी उनसे और लंबी चर्चा करेंगे जी। ठीक है, जी इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करिए, मैं और शरीर इन दोनों वास्तविकताओं को। जी जी भैया, हाँ, जो अभी बात हो रही थी जो ड्रग्स और मेडिसिन और टॉक्सिक पॉइजन्स के बारे में, मैं डेफिनेशन कुछ बताना चाहता हूँ कि जो ड्रग की एक डेफिनेशन ये है कि ये सब्सटेंस विच इज बेनिफिशियल इन स्मॉल क्वांटिटीज इज कॉल्ड ड्रग। अब उसमें ड्रग में नार्कोटिक ड्रग वगैरह भी होता है, तो ड्रग में जो हार्मफुल होता है उसमें, जैसे कि जिसकी आदत पड़ जाती है तो हम उसको नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में इंक्लूड करते हैं, तो वो एक तरह के टॉक्सिन्स माने गए हैं। जब हम अल्कोहल, टोबैको या इसकी बात करते हैं तो वो जो है वो हार्मफुल होते हैं, दे आर टॉक्सिन, और टॉक्सिकोलॉजी में पूरे एक एक चैप्टर इन पर पढ़ाए जाते हैं, अल्कोहल पर और टोबैको पर। पॉइजन की डेफिनेशन क्या है, पॉइजन जो पॉइजन एक्ट 1919 के मुताबिक, पॉइजन इज अ सब्सटेंस विच इज हार्मफुल इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज पॉइजन। अब इसमें बहुत बारीक थिन लाइन है, जैसे कि क्वांटिटी जो होती है, सपोज हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान ले कि अल्कोहल या टोबैको बेनिफिशियल है, तभी उसमें क्वांटिटी जो होती है, सपोज वो ड्रग मानते हैं उनको मेडिसिन के मतलब ये पॉइजन के बजाय, जबकि एक्चुअली वो पॉइजन है, लेकिन सपोज वो बेनिफिशियल होते भी तभी उसकी क्वांटिटी होती है। आप देखिए कि मेडिसिन पर होता है शेड्यूल एज ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग की जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचे नहीं जाते, क्योंकि ड्रग मेडिसिन जो होती है उसको हम खाने की तरह नहीं खा सकते, बेनिफिशियल है लेकिन उसकी एक क्वांटिटी फिक्स होती है, और वो क्वांटिटी से ज्यादा लिया जाए देन दैट कैन बी ए हार्मफुल। तो ये जो क्वांटिटी है उसका मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लघु और गुरु के बारे में भी आयुर्वेद में यही कहा है कि लघु पदार्थ है मतलब जो पचने में हल्का है, वो यदि क्वांटिटी में ज्यादा खाया जाए तो वो गुरु हो जाता है, और गुरु पदार्थ है वो यदि पचने में भारी होता है लेकिन यदि कम क्वांटिटी में खाया जाए तो वो लघु हो जाता है। तो क्वांटिटी या मात्रा का जो ध्यान रखना जरूरी है, तो उसमें जो बेनिफिशियल है उसको हम ड्रग्स बोलते हैं, उसमें जो हार्मफुल होते हैं तो वो फिर जो बेनिफिशियल है वो मेडिसिन है, जो जिसकी आदत पड़ जाती है वो नार्कोटिक ड्रग्स है, और जो टॉक्सिन्स है वो दे आर हार्मफुल इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, जहर थोड़ा सा भी ले लिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है, तो उसको पॉइजन कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। थैंक यू जी। जी बढ़िया भैया, ऐसे आपको बताया कि किसी भी वस्तु का शरीर में एक निश्चित प्रकार से प्रयोग हो सकता है, आप जो बात कर रहे हैं काफी ना विस्तार से आपने बताया, बट आप पाएंगे कि विष या जहर या पॉइजन, तो हमारे देश में ट्रेडिशन भी रहा है कि शत्रु से युद्ध करने के लिए कई बार विष कन्याएं तैयार की जाती थी, तो उनको बचपन से ही विष खिलाया जाता था, और उसका पूरा शरीर का जो बनावट होता था इस प्रकार का होता था, जो किसी को काट लेने से या कुछ ऐसा अगर वहां का रक्त अगर दूसरे शरीर में चला जाए तो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, यानी वो विष भी मगर उस शरीर के पोषण में काम आ रहा था।
तो बहुत सारा इसमें डिटेलिंग है, ये भी आप थोड़ा मैं वो मात्रा की बात नहीं है, है ना। तो एक तो शरीर का हम अभ्यास वैसा बना लेते हैं, पूरा शरीर विशाला हो जाता है, और दूसरा किसी वस्तु को अगर उसके सही जगह पर न पहुंचा के किसी दूसरी जगह आप डाल देते हैं तो भी वो विष का काम करता है। इसके अगर पूरे विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारा एनालिसिस निकलता है इससे। जैसे अब लंग्स से पानी चला गया, पानी तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बट लंग्स में चला गया तो वो पॉइजनस हो गया, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मजे की बात है, अंग्रेजी में भी देखे तो ड्रग दवा के लिए प्रयोग करते हैं, ड्रग्स नशा के लिए प्रयोग करते हैं, तो वर्ड में भी थोड़ा सा अंतर है ड्रग एंड ड्रग्स। तो होता ये है, इनफैक्ट जो भौतिक रासायनिक संसार है इसमें बहुत सारा विश्लेषण हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक निश्चित प्रकार से पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है। और जी, उस निश्चित पहचान निर्वाह करने के आधार पर कई तरह के प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। भैया, जो मैं इसमें समझ पाती हूँ और थोड़ा बहुत अपने बच्चों की गाइडेंस के लिए जो मैंने ध्यान दिया था, जो अल्कोहल का इश्यू है, भैया जैसे जो कह रहे हैं डॉक्टर्स कि थोड़ा सा क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं, तो मतलब मैं ये समझ पाई कि वो भी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ओल्डर एज में होती हैं या अभी यंग एज में भी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का हाई होना है ना, शुगर और सर्कुलेशन की प्रॉब्लम वगैरह, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं तो अल्कोहल को लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो वो शायद सही थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट होता है और वो ठीक होती हैं। लेकिन अगर हम पहले ही समझ पर ध्यान दें और सेल्फ में हार्मनी को देखें और अपने शरीर का भी ध्यान दें आहार विहार के रूप में, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम होगा ही नहीं, तो फिर हमको अल्कोहल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया क्या ये ठीक है ऐसे? जी जी ठीक है बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है कि शरीर के स्तर पर आप देखेंगे तो कोई निश्चित प्रभाव उत्पन्न करने के कई तरीके हो सकते हैं, हम उसको जो सही तरीका है वो लेंगे। अगर कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जो सामयिक रूप से तो शरीर को उपकार करे बट एडिक्शन बना दे रहा है, उसको नहीं लेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। हम संयम के भाव के तो रख पाए ज्यादा ठीक है, तो कोई ऐसी ले रहे हैं जो हमारे अंदर कोई कॉल आ जा रहा है, अगर वस्तु ले रहे हैं जिससे हमारे शरीर में आवेश उत्पन्न हो रहा है और शरीर बार बार उसकी मांग करने लग रहा है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जी। तो जी। शरीर से संवेदना पाकर सुखी होने का अभ्यास बना रहेगा। तो कई बार बच्चे इन चीजों को लेकर इन चीजों को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक ही उसको शरीर के स्वास्थ्य के लिए कई तरह की चीजें उपयोगी हो सकती हैं, बट हमें देखना होगा कि उसका आगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक बात है भैया जी, और थोड़ा सा देखें। ठीक है भैया, मैं एक और पॉइंट मुझे दिखा है तो मैं उसको भी ध्यान में रखूंगी। जी भैया जी, वैसे एक प्रश्न है चाय और कॉफी, अगर ये भी एक ऐसा अभ्यास बन गया है कि इसके बगैर शरीर के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है तो भी ठीक नहीं है, अगर उसकी लत लग गई हम सदुपयोग कर लेता तो ठीक है, बट यदि इसकी लत बन जा रही है और इसका बेहतर विकल्प भी निकालने बहुत ज्यादा अच्छा है। देखिए ये जो बहुत मुश्किल से छूटते हैं अभ्यास, वो बेसिकली अभ्यास तो मैं में है, ठीक है ना, क्योंकि उससे हम कहीं ना कहीं सुख पाने की आशा लगाए रखते हैं। तो ये हम देख लें कि शरीर के स्वास्थ्य का अपने क्या है और क्या नहीं है, उसको पूरा कर ले। चाय और कॉफी के साथ मगर वो कठिनाई नहीं है जो कि शराब के साथ है, ठीक है ना। तो वो कोई नशा उत्पन्न कर रहा है ऐसा नहीं, शरीर में उन्माद उत्पन्न कर रहा है या आवेश उत्पन्न कर रहा है, उस तरह की स्थिति तो नहीं है। बट यदि हम उस पर इस तरह से निर्भर हो गए हैं कि अगर वो ना मिले तो हम परेशान हो रहे हैं, तो निश्चित बात है कि कहीं हमने उसका दुरुपयोग कर लिया है, बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया है। तो मुझे लगता है कंटेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं फिर लौट कर आते हैं। तो अभ्यास एक में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास करेंगे, यानी जीवन शक्तियों का अंत नियोजन करने का अभ्यास करेंगे। तो दृष्टा देखने वाला मैं हूं, आंखें नहीं है, और स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने के लिए क्या मुझे आंख के माध्यम से देखने की आवश्यकता है? अपनी कल्पनाशीलता को देखने के लिए क्या आंख की आवश्यकता है? तो नहीं है, तो हम आंखों को आराम दे सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, आधा खुला आधा बंद भी रख सकते हैं। क्या मुझे शरीर से कोई काम लेना है? तो वहां दिखता है कि वहां भी काम लेना है,
तो अपने भाव को देखने के लिए क्या मुझे शरीर से काम लेने की आवश्यकता है, तो नहीं है, तो शरीर को आराम दे सकते हैं, तो कोई भी स्थान, कोई भी ऐसा पोस्चर चुन सकते हैं शरीर के लिए, शरीर आराम में रहे, कोई भी आसन में रख लीजिए, बट ये ध्यान रहे कि अल्टीमेटली पर्पज है कि हम स्वयं को स्वयं द्वारा देख पाए। ऐसी स्थिति में नहीं रख लेंगे कि शरीर शिथिल पड़ गया और हम सो गए, तो जो शरीर का रोल है वो भी प्ले ना हो पाए, उसको हम पूरा ना कर पाए। जी कुछ हैंड्स रेज़ थे तो रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। सर यह थोड़ा सेल्फ के ऊपर ही बात कर रहा था कि जैसे कि हम लोग जब अपने सेल्फ मतलब अपने बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं, अंदर अंदर अपने आप को करने लग जाते हैं, तो हम थोड़ा सा बाहर से कट जाते हैं, और जब हम अपने आप को समझ लेते हैं और फिर हम थोड़ा भाग जाते हैं तो हम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते सर, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम तो समझ गए, हमें नॉलेज आ रही है, लेकिन भाग के साथ हमारा वैसी ट्यूनिंग बन नहीं पाती है सर। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे क्लासेस में ये अब एक बैच आ रहा है 6 से 9 बजे तक का हिंदी का बैच है सर बच्चों का, तो वो क्लास में जो है मैंने बोला है, मेरी बात भी करी है, लेकिन कुछ फैकल्टी उसमें एग्री होते हैं, कुछ एग्री नहीं होते, तो सर मैं आपसे थोड़ा सा राय लेने कि बच्चों को कैसे उसमें मोटिवेट किया जाए कि वो उसको करे, क्योंकि कुछ फैकल्टियों ने सर ये किया है प्रोग्राम और वो कर नहीं पाए टाइम से, क्योंकि थोड़ा सा टाइटलाइन होती है थोड़ा सा इसके अंदर, मैं कर चुका हूँ और मैंने अच्छी तरीके से इसको किया, लेकिन वो थोड़ा सा, तो इसलिए वो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा वो करते हैं गुमराह टाइप का, तो सर इसमें थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए प्लीज, मैं कैसे करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे इसको एनरोल करें ज्यादा से ज्यादा। जो स्टूडेंट वर्कशॉप हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, जो अभी वर्कशॉप होने वाली है सर अभी, जी जी 6 डे की जो पार्ट टाइम करी है ना 6 बजे से 9 बजे तक की सर। हाँ उसी चीज। तो आप पहले जो बात कह रहे थे कि उसका एडजस्टिंग का ये एक मुद्दा है, बट ये जो बच्चों को मोटिवेट करना है या फैकल्टी का सहयोग लेना है, तो दो क्वेश्चन है सर, मेरे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो वही है अपना कि मैं समझ रहा हूं। जी तो देखिए वो पहली वाली बात तो ये है कि भाई दूसरों के साथ एडजस्ट करके भी क्या उपलब्धि थी, तो कोई उपलब्धि नहीं थी, अब कम से कम आपको तो उपलब्धि हो रही है ज्ञान से, कब उनके साथ हम जैसे तैसे एडजस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, अपने जीने का हम सही कार्यक्रम रखेंगे, ठीक उनको अवसर देंगे समझने का, तो उतनी मार्जिन देके चलेंगे हम उनके साथ, तो उनके साथ एडजस्ट करने में कोई उपलब्धि नहीं थी, तो बेहतर है कि अब हम वहां से निकल कर ऐसी स्थिति में आ पाए हैं कि हम कम से कम अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, अपने ऊपर तो काम कर पा रहे हैं, एक बात। जो दूसरी बात है कि अभी बच्चे मोटिवेट नहीं हो रहे हैं शाम के वर्कशॉप के लिए, तो उसमें हम इस पे ध्यान दे सकते हैं कि कैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाए, अगर इसमें कहीं मैनेजमेंट का सहयोग मिले तो वो भी कह सकते हैं, जैसे आज के दिन वैल्यू एडेड कोर्सेज की एक प्रोविजन है NAC में कि वैल्यू एडेड कोर्सेज आप पढ़ा सकते हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज 30 आवर्स के होने चाहिए जो नॉन क्रेडिट होते हैं, तो एक तो आप अपने इंस्टीट्यूट में इसको एक वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट का वर्कशॉप हो रहा है शाम को है ना, और बच्चे उसको अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा तो सर्टिफिकेट भी काउंट होगा, और अगर बच्चे इंडक्शन प्रोग्राम से गुजरे हुए हैं, UHP 2 कोर्स किए हुए हैं, उनके अंदर खुद भी कुछ इच्छा होगी उस चीज को ठीक से समझने की और गहराई में जाने की, उसमें सहयोग मिलेगा। जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है ना सर, जो कंडीशंस है ना वो काफी मतलब हार्ड लगती है बच्चों को, ये थोड़ा सही है बस, क्योंकि जैसे कि टीचर्स वगैरह कहते हैं बच्चे कर लेंगे सर, आधे में नहीं कर पाएंगे, बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ऐसे करके, ये थोड़ा सही था, ये थोड़ा सा ये हल्का सा इशू ही आ रहा था, बाकी मुझे पता सारा अच्छे तरीके से करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलना ही है सर, ये थोड़ा सा तो सर्टिफिकेट इस बात को सर्टिफाई करता है, कम से कम आपने पूरा प्रस्ताव तो सुना, वो जरूरी है, उसका क्राइटेरियन भी तय होना जरूरी है, क्योंकि आपने मोबाइल कहीं रख दिया और आप अपना बैडमिंटन खेल रहे हैं शाम को, ठीक है, और सर्टिफिकेट ही मिल गया आपको तो क्या फायदा उसका। हाँ नहीं नहीं वो बता दिए सर जी, वो कह रहे सर इतना ही पर्याप्त है कि आदमी ठीक से कंटेंट सुन ले, प्रश्न भी वैसे ही करते हैं हम लोग टेस्ट में क्विज में, अगर बच्चे ने जरा सा ध्यान से सुना है ठीक है ना, तो रिस्पॉन्ड तो कर ही सकता है। हाँ यस सर यस जी।
तो आप बच्चों को मोटिवेट करिए और मैनेजमेंट से बात करिए, फैकल्टी से बात करिए, नैक में इसका प्रोविजन है, वैल्यू एडेड कोर्सेज का जी। ठीक है भैया, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मैं है, अगर आपने बोला कि अपनी आंख बंद करके अपने बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए और जो शरीर है उसको आराम देना चाहिए, तो क्या मैं ये सोच सकता हूँ अगर मैं बहुत ही डीप थिंकिंग में चला गया, जैसे कि हमारे पूर्वज चले जाते थे कि 1,000 साल तक वो आंख बंद करके बैठ रहते थे और उनके ऊपर पूरा मिट्टी चढ़ जाती थी, तो साधु संत हुए हमारे पुराने, तो वो क्या मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि वो सांस लेना भूल जाए तो शरीर बिल्कुल सुकून पड़ जाए और ये, या फिर हार्ट बीट रुक जाए, ऐसा अगर ऐसा हो जाता है मैं डीप नॉलेज में चला जाता हूँ तब मैं क्या शरीर में वापस आ सकता हूँ? मतलब मेरा ये सोच है, जैसे आपने देखने के लिए आंख बंद कर दिया और उसे बोला कि ये यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह से बॉडी भी हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमने पहले पढ़ा है, लेकिन क्या जब हम इसको बहुत ही डीप नॉलेज अपने आप को जानने के लिए आंख बंद करके एकांत में बैठ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी देखिए, ये सब बहुत सारे हमारे अंदर कौतूहल के प्रश्न आते रहते हैं, तो अल्टीमेटली शरीर को देखिए बहुत ही रासायनिक वस्तु है, उसका हम जिस प्रकार सदुपयोग करते हैं उसके अनुसार उसका संवर्धन संरक्षण करना होता है। तो अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं तो बहुत कम ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं क्योंकि श्रम कुछ कर नहीं रहे, तो शरीर को उसी के अनुसार आहार चाहिए, उसी के अनुसार विहार चाहिए, है ना। बैठे हुए हैं तो आहार भी हम लिमिटेड रखेंगे, विहार तो कुछ ज्यादा कर नहीं रहे, बस बैठे हैं तो एक प्रकार शरीर को बैठा रखेंगे। अब उसमें करते हुए हम शरीर की जो क्रियाशीलता है उसको भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक प्रकार से सिद्धियों में चली जाती है कि जो हम जड़ वस्तुओं को प्रभावित कर पाते हैं एक एक प्रकार से, तो शरीर को हम कितना, हार्ट बीट को हम कितना रेगुलेट कर सकते हैं, पल्स को कितना रेगुलेट कर सकते हैं, ब्रीदिंग को कितना रेगुलेट कर सकते हैं, तो हम शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के इसको तय कर सकते हैं। बट अब तो हमको समझ में आ रहा है कि ये संपूर्ण कार्यक्रम तो नहीं है ना कि हम किसी एक जगह जाके बैठ गए और हम शरीर को रेगुलेट करने लगे, हमको स्वयं में जांचना, उसको जी कर देखना है। जी कर देखने के क्रम में तो हमको भागीदारी करना है, दूसरों से व्यवहार करना है, शरीर से श्रम करना है, अपने लिए सुविधा की आवश्यकता की पूर्ति को के लिए उत्पादन करना है, और सिर्फ अपने शरीर की आवश्यकता के लिए उत्पादन कर रहे हैं ऐसा नहीं है ना, उसका वितरण भी करना है समाज के लिए, अपने परिवार का पोषण भी करना है, समाज का पोषण भी करना है, तो हम फिर उस अर्थ में देखेंगे शरीर का सदुपयोग कैसे होगा। तो अभी तो ये कह रहे हैं इसको जांचना भी है और जी कर देखना भी है। अगर हम एक जगह कहीं बैठ जाते हैं पूरे समय तक तो उससे कुछ निकल आता है बहुत लंबा, है ना, ऐसा नहीं है, बीच बीच में हम उस स्थिति में जा सकते हैं, हम थोड़ा देर बैठ लिए, जैसे हम लोग अभी इस पे बात करने वाले हैं कि हर दिन आधा घंटा आप बैठे और बैठे भैया, आप बता रहे हैं कि आधा घंटा बैठे हैं, तो हमें जब हम उसके इतने उसमें चल जाएंगे चेतना में अपने आप को इतना मतलब थोड़ा सा डीप कर देंगे, तो हमें टाइम का कैसे पता चलेगा कि आधा घंटा हो चुका है या 10 मिनट हो चुकी है? वही तो आधा घंटा आपको जहां तक लगता है कि आप अपने ऊपर ठीक से ध्यान दे पा रहे, काम कर पा रहे उतना करें, अगर लंबा समय लगा दिया बहुत अच्छा, बट वो भी सामयिक रूप से कर रहे हैं, कहने का मतलब उसको सामयिक रूप से करें, उसको जी कर देखना जरूरी है, नहीं तो पता चला कि हम गए तो थे देखने के लिए बट हम विचारों में घूमते रह गए पूरे समय, उससे कुछ निकल कर नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, अगर हम मतलब डीप नॉलेज में चले गए, विचार में खो गए, तो हमें फिर उससे कोई मतलब फायदा होने वाला नहीं है। डीप नॉलेज में जाने से तो है बट विचार में जाने से नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। नोइंग जो होता है वो तो ब्लॉक B1 को एक्टिवेट करने से होता है, उसको कर पा रहे तो बहुत अच्छा, बट हम उसको नहीं कर पाते हैं, है ना। अच्छा, कई बार हम विचारों में हो रहे भैया मेरा जी, एक क्वेश्चन हो रहा है, अभी एक मैडम बोल रही थी कि ये शराब पीना उसके लिए थोड़ा सा जरूरत हो जाता है, यही इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम 30 साल तक अपने पढ़ाई और इसके लिए, मैम नहीं कह रही थी किसी बच्चे कैरियर के लिए लड़ते रहते जी, मैंने मेरा थोड़ा सुन नहीं पाया था तो मुझे ऐसा लगा था, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम 30-25-30 साल तक हम अपने करियर के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, ना खाने का ध्यान होता है, ना किसी और का पढ़ना लिखना, और मतलब अपने करियर के लिए भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, उससे क्या होता है हमारी बॉडी पे भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है,
तो उससे कुछ हो सकता है कि कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कुछ भी, और वो एक रेगुलेटिव बन जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए। तो उसको देखिए, कुछ ना कुछ क्यों, हम तो संयम के भाव के साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो शरीर के स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई कर रहे हैं लोग, ये तो बहुत सार्थक पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पूरे समय तो कॉम्पिटिशन के तनाव दबाव में रहते हैं। अब तो ये दिख रहा है ना कि अल्टीमेटली जिस तरह से हमने कॉम्पिटिशन को माना हुआ है, उतना है भी नहीं। आप अगर उत्पादन करके समृद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत सारे अवसर आपके अंदर बने हुए हैं। तो जोड़े कि आप पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पास करेंगे तभी आप समृद्ध हो पाएंगे। जब हम उसको सम्मान से जोड़ लेते हैं, पर्टिकुलर पद पे जाकर हमको सम्मान पाना है, तब फिर हम बहुत तनाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई के लिए संयम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना होगा। संयम के भाव के साथ हम पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई जॉब पाने के बाद और पद पाने के बाद हमको लगता है कि पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य पूरा हो गया। हमको दिखता है कि पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य जो है सिंपली एक जॉब पाना या करियर का एक स्टेप चढ़ना नहीं है। पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य तो ये है कि हम अपने स्किल्स को राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे सदुपयोग करें ना, इस चीज को देख पाना है। तो हमने पढ़ाई लिखाई से दो चीजें निकाल सकते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई से दो चीजें निकाल सकते हैं। तो स्किल्स अक्वायर कर सकते हैं, दूसरा ज्ञान पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये तो बहुत सारी भ्रांतियां हमने बना ली है ना, कि लोग अभी बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं करियर के लिए, और ये भी पता नहीं करियर होता क्या है, करियर का सही मतलब क्या है। सिर्फ जॉब पा लेना, पैकेज पा लेना, यही करियर है, या सुखी होना, समृद्ध होना, ये करियर है। उसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके लिए शरीर भी खराब करने की जरूरत नहीं है, संबंधों को खराब करने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, उल्टी सीधी मान्यताओं को बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है उसके साथ कुछ स्किल्स अक्वायर करने की जरूरत है। जी धन्यवाद। जी जी, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते।